सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्रदेव से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जिस ऐश्वर्य में तुम मेरा अपमान कर रहे हो वो तुमसे छिन जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान और धन में हानि होने लगी। पूरे स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मच गई और वे सब मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का उपाय सुझाया और बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत के सेवन करने से ही देवताओं की शक्ति उन्हें वापस मिल सकेगी। देवताओं की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वे अकेले ही विशाल समुद्र का मंथन करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में देवताओं ने राक्षस के राजा बलि से मदद मांगी। राजा बलि ने इस शर्त पर मदद करने के लिए सहमति दी कि समुद्र से निकलने वाला अमृत में आधा हिस्सा राक्षसों को भी दिया जाएगा। समुद्र मंथन शुरू हुआ और मंथन में अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकला। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी बस का नहीं था। विष के तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे, इसलिए उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय विष की एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। इसके बाद मंथन फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला। उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षसी कली के ऊपर भी गिरी। अमृत के स्पर्श से उसका शरीर वापस जीवित हो गया, किंतु वह भौतिक रूप में नहीं आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और सारा अमृत छल से देवताओं को पिला दिया। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर विराजमान है। वो अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। जितना पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ेंगे, कली पुरुष को उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, उस समय कली भौतिक रूप में आ जाएगा और इंसानों पर राज करेगा। पाप के चरम पर होने और धरती पर एक असुर के राज करने पर भगवान विष्णु के स्वरूप कल्कि का धरती पर जन्म होगा। इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। अपने माथे पर आते पसीने को पोंछकर उसने पीछे मुड़कर देखा। स्ट्रीट लाइट की मध्यम सी रोशनी में उस पतली सी गली के दूसरे छोर तक उसे अपने पीछे कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु अंधेरी रात में किसी के कदमों की आहट पिछले 5 मिनट से लगातार उसका पीछा कर रही थी। अनीता नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर लौट रही थी। उसका घर मेन रोड से अंदर एक संकरी गली में पड़ता था, जहां तक कैब का पहुंच पाना संभव नहीं था। हर रोज की तरह उसने मेन रोड पर कैब रुकवाई और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ने लगी। रात के 2 बजे का समय था। हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सूखे पत्तों पर किसी के कदमों से आने वाली कड़कड़ की आवाज उसकी नसों में अजीब सा डर भर रही थी। पीछे मुड़कर देख पाने की हिम्मत तो नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। उसके पीछे रात के स्याहे अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 2-3 कदम आगे बढ़ाने पर एक बार फिर उसे लगने लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। डर से उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। खतरा भांप कर उसने बिजली की सी तेज से अपने बैग की पॉकेट खोली और उसमें रखे स्प्रे की बोतल को निकालकर अपने हाथों में पकड़ लिया। बोतल हाथ में पकड़कर जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, उसकी आंखों के सामने एक काला सा धुआं फैल गया। यह धुआं इतना घना था कि एक पल को उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी समझ नहीं आया। अगले ही पल उस धुएं के पीछे से एक आदमी ने निकलकर एक भारी भरकम हथौड़ा उसके सर पर दे मारा। हथौड़े के उसके सर से लगते ही खून की एक धार सड़क पर बहने लगी। अनीता की आंखें इससे अधिक देखने के लिए खुली ना रह सकी और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उस व्यक्ति ने अनीता के सर पर एक के बाद एक दर्जनों प्रहार किए
और निर्दयता से उसकी हत्या करने के बाद जोर जोर से हंसने लगा। अचानक ही एक धुएंनुमा आकृति उस व्यक्ति के शरीर से बाहर आई और धीरे धीरे एक विशाल दैत्य का रूप लेने लगी। दो पल तक वह धुआं यूं ही दैत्य रूप में वहां खड़ा रहा और अगले ही पल वापस हवा में समा गया। अनिता को मारने वाला हत्यारा भी अपना खून से सना हथौड़ा संभालते हुए वहां से भाग निकला। अगले दिन हर समाचार के मुख्य पोस्ट पर अनिता की दर्दनाक मौत की खबर छपी हुई थी। अनिता की मौत पिछले कुछ दिनों में होने वाली 10वीं हत्या थी। कोई सीरियल किलर मासूम बेगुनाह लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। मरने वालों के शरीर इतनी बुरी अवस्था में मिल रहे थे कि पुलिस के लिए भी जांच कर पाना कठिन हो रहा था। हर हत्या में कुछ बातें थी जो बिल्कुल कॉमन थी, जैसे मरने वाले सभी लोग सीधे सच्चे अच्छे इंसान थे। इन सभी की हत्या अमावस्या की रात को गहरे अंधेरे में हुई थी, खासकर ऐसी जगहों पर जहां कैमरा भी नहीं था, इसलिए कोई भी गवाह या सुराग नहीं मिल पा रहा था। आज फिर एक अमावस्या की रात थी। आधी रात को अपने आश्रम से निकलकर एक साधु जंगल की ओर बढ़ा जा रहा था। जंगल के बीचों बीच उसने महसूस किया कि कोई धुआंनुमा आकृति उसका पीछा कर रही है। साधु ने अपनी चाल तेज कर दी और वो जल्दी से वापिस अपने आश्रम की ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलते ही अचानक एक व्यक्ति उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। हाथ में चाकू पकड़कर वो क्रोध से साधु की ओर देखने लगा और एक जानवर की तरह उसकी ओर झपटा। साधु श्री नारायण हरि का नाम लेकर उसके हाथ से चाकू छीनने का प्रयास करने लगा। साधु ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला लपेटी हुई थी। उस माला के स्पर्श होते ही वह हत्यारा बिजली के करंट की गति से उछलकर दूर जा गिरा। अगले ही पल जैसे वह हत्यारा होश में आ गया था, साधु को अपने सामने देखकर वह घबरा कर पीछे हटने लगा। साधु की जोर से श्री नारायण हरि की आवाज सुनकर आश्रम में रहने वाले साधु और शिष्य बाहर निकल आए और उन्होंने हाथ में चाकू पकड़े हुए उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सच सच बताओ, आखिर तुमने क्यों इतने सारे लोगों की हत्या की? आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो एक चोर हूँ। एक रात में चोरी करने के बाद शराब के नशे में धूत होकर अपने घर जा रहा था। अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। पास जाकर देखा तो वहाँ एक काली सी परछाई दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता साहब। पुलिस को कहानियाँ सुनाता है, हम तुझे बेवकूफ नजर आते हैं। हाँ, तूने एक दो नहीं पूरे 10 लोगों की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की है कि कोई मान ही नहीं सकता ये इंसान का काम है। भोलेपन का नाटक बंद कर, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। मैं बस चोर हूँ साहब, मेरी बात का यकीन करो। हत्यारा चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की असंभव सी कहानी सुना रहा था, जिसे मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हत्यारा मुकेश अभी पुलिस हिरासत में ही था कि पुलिस के पास एक और जुर्म होने की खबर आती है। इस बार हत्यारे ने हाईवे पर गाड़ी रुकवा कर उसमें बैठे 5 लोगों की बेदर्दी से हत्या की थी। अगर ये किलर यहाँ है तो ये मर्डर किसने किया? बिल्कुल वही तरीका, अमावस्या की रात को हैवानों की तरह हत्या करना। आखिर क्या पहेली है ये सब, कहीं ये किसी गैंग का काम तो नहीं? इंस्पेक्टर दयाशंकर मन ही मन उधेड़ बुन में लगा हुआ था। मुकेश के ठिकाने से पिछली हत्याओं में उपयोग किए गए हथियार बरामद हो गए थे, जिससे उसका अपराध साबित हो रहा था। साथ ही साथ अब तो हर दूसरे तीसरे दिन शहर में हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे अपराध ऐसे बढ़ते जा रहे थे कि लग रहा था शहर के चप्पे चप्पे में अपराधी ही घूम रहे हैं। स्थिति पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। रात का समय था। अपने विचित्र केसों के बारे में सोचते सोचते दयाशंकर को नींद आ गई थी। अचानक ही उसे नींद में एक आदमी कुल्हाड़ी से छोटे बच्चे पर हमला करता नजर आया। हमलावर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसके सफेद चेहरे पर फैली मनहूसियत को देखकर लगता था वह कोई इंसान ना होकर नरभक्षी हो। दयाशंकर ने देखा मर्डर साइट से सिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। अचानक ही चौंक कर उसकी नींद टूट गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अब वो एक पल के लिए भी बिस्तर पर लेट नहीं पा रहा था। उसने उसी पल अपनी गाड़ी निकाली और सिटी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। अस्पताल से कुछ ही दूरी पर एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए
धीमे कदमों से चला जा रहा था। उसकी कुल्हाड़ी पर खून लगा हुआ था जिससे टप टप कर खून टपक रहा था। दयाशंकर ने हड़बड़ाकर गाड़ी उस आदमी के सामने रोक दी, उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाया और पास के घर में खुले दरवाजे से डरते हुए भीतर घुस गया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका सपना हूबहू सच होकर उसके सामने था। ये कैसी पहेली थी, क्या सपने में देखी हुई बातें सत्य हो सकती है? एक के बाद एक ऐसे ही दयाशंकर को विजन्स दिखाई देते और मौका है वारदात पर जाने पर सब कुछ सत्य होकर उसके सामने आ जाते। दयाशंकर के हाथों जो भी अपराधी पकड़ा जाता एक ही कहानी सुनाता कि उसने कोई अपराध नहीं किया। उसे हत्या से पहले एक काली भयानक परछाई दिखाई दी और उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता कि उसने क्या किया। दयाशंकर जानता था कोर्ट में इस तरह की बात करना बेवकूफी होगी। कानून इस तरह काला साया दिखने की बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना